नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि जो कंजकें जमाते हैं तो वो कंजकें कितने वर्ष की होनी चाहिए और कैसे कन्याओं का पूजन करना चाहिए, इस विषय में बात करते हैं। तो कन्या जो आप जिमाते हैं ये थोड़ा सा आर्थिक स्थिति पे ज़्यादा निर्भर करता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और आप सक्षम हैं तो 9 कन्याएं होनी चाहिए और 10वां लंगूर के रूप में लड़का होना चाहिए। लंगूर होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, नहीं लंगूर दूसरे शब्दों में कहें तो हनुमान जी का स्वरूप है। कन्याओं की आयु भी जो है स्कंद पुराण के अनुसार 10 वर्ष से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। वैसे 8 वर्ष का भी आया है कि 8 वर्ष से ऊपर कन्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन 10 वर्ष से ऊपर कन्या नहीं होनी चाहिए। और कन्याओं को आप एक दिन पहले आमंत्रित कर दें, उन्हें निमंत्रण दें, आप बुलाएं, बुला करके उनके चरणों को प्रक्षालन करें, उनके चरण धोएं, उनके पैर धोएं, आप धुलें और अपने बच्चों से धुलवाएं। इससे संस्कार बच्चों के अंदर भी जागृत होगा और उनको भी कंजकाओं का यानी साक्षात भगवती का आशीष प्राप्त होगा। वो कन्याएं साक्षात आपकी भगवती ही हैं, जिनको क्रमशः आप जो 9 देवियां हैं 9 देवियों का स्वरूप उनको दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके घर जैसे कंजकें आती हैं आप उनके पैरों का प्रक्षालन करें, उनके पैर धुलें। पैर धुलने के बाद उनके मस्तक पे आप गंधाक्षत यानी रोली लगाएं, या चंदन है तो चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं और थोड़ा सा पुष्प उनके ऊपर डाल करके दोनों हाथ जोड़ करके दोनों हाथों से उनको नमन करें, एक तरह से प्रणाम करें। इसके बाद उनको बैठाएं। जो आपने बना रखा है उनके लिए प्रसाद, वो प्रसाद सबसे पहले भगवती जगदम्बा को अर्पित करें। इसके बाद उन कंजकाओं को जिमाएं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, साथ में लंगूर का भी आपको उसी प्रकार पूजन करना है जैसे कंजकाओं का करना है। फिर आप जो हैं उन कंजकाओं को जिमाएं और बाद में यथा जो भी आपकी स्थिति है, जो भी आपकी श्रद्धा या जैसी भी आपकी जेब अनुमति देती है यानी जेब अलाउ करती है, उस प्रकार उनको आप दक्षिणा दें या कोई उपहार दे करके और उनको विदा करें और उनसे आशीष प्राप्त करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा आप लोगों को कि जो कन्याओं का पूजन करते हैं आप उस दिन यानी कन्याओं को खास करके सप्तमी अष्टमी या नवमी इन 3 दिनों में ज़्यादा खिलाते हैं और ख़ास करके जो होता है वो अष्टमी होता है। वैसे कन्याओं को आप प्रतिदिन यानी पहले दिन से लेकर 9 दिन तक एक एक कन्या को खिला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको वही पुण्य और वही फल प्राप्त होगा। मैं जो कहना चाह रहा था कि जिस दिन आप कढ़ाई देते हैं, कढ़ाई करते हैं, उस दिन अवश्य रूप में अपने कुल देवी का पूजन करें। एक तरह से मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि कढ़ाई किन्हीं के यहाँ सप्तमी को होती है, किसी के यहाँ अष्टमी को होती है, किसी के यहाँ नवमी को होती है, तो कढ़ाई ज़्यादातर जिस दिन जिनके यहाँ होती है उस दिन कुल देवी का पूजन अवश्य करें और वो कढ़ाई भी एक तरह से कुल देवी की ही होती है, तो कुल देवी को आप ये करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ ये इस प्रकार से करें और इसमें सबसे विशेष ध्यान रखेंगे कि श्रद्धा आपकी पूर्णता होनी चाहिए। यदि आप सक्षम नहीं हैं 9 कन्याएं खिलाने में तो आप 3 ही खिलाइए, आप 1 ही खिलाइए, आप 2 ही खिलाइए, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ। और उसमें जो भी आप बनाएं तो खीर अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अष्टमी के दिन कंजकों को खिलाएं, कन्याओं का पूजन करें और उनका विशेष आशीष प्राप्त करें। तो बस आज इतना ही। नमस्कार।